उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। स्वाइन फ्लू के अब तक 71 मरीज सामने आ चुके हैं। ऐसे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का संचारी रोग विभाग भी सक्रिय हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के डिप्टी CMO डॉक्टर KP त्रिपाठी के अनुसार कार्यालय की ओर से सभी सरकारी अस्पतालों में 5 से 10 अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था की गई है। इमरजेंसी में स्वाइन फ्लू के जाँचों की हर संभव कोशिश करने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। अभी तक तो जो हम लोगों ने केस एनालिसिस की है उसके अनुसार तो केसेस हमारे लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों से निकल के आ रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा अगर 71 केसेस में हम ये देखते हैं कि कहाँ से केसेस ज़्यादा हैं, तो कुछ केसेस इंदिरा नगर के हैं, कुछ गोमती नगर के इलाके के हैं, आलमबाग, और अब थोड़े से केसेस चौक की तरफ से निकलने शुरू हुए हैं। अभी हम लोगों की तरफ से किसी मौत की पुष्टि नहीं की गई है। इनको रोकने के लिए क्या उपाय यहाँ कार्यालय से किए जा रहे हैं? इसमें आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ एक 24 घंटे का एक निरंतर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, जिसमें H1N1 से रिलेटेड कोई भी जानकारी या अगर आपको कोई भी केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम में सूचना दें। दूसरी है कि हम लोगों ने अपने स्तर से सभी अस्पतालों की फीवर हेल्प डेस्क को एक्टिवेट कर दिया है, और सभी बड़े और छोटे जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे 4 बिस्तर के, और शहरी क्षेत्र वहाँ पे भी 4 बिस्तर के अस्पतालों के लिए कर दिया गया है।